बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो यमुनानगर प्रशासन का बड़ा फैसला, जिले में डेंगू की रोकथाम को लेकर सख्ती, घरों में लार्वा मिलने पर एक्शन लेने की तैयारी की जा रही है। ठहरे हुए पानी में लार्वा मिलने पर जुर्माना देना होगा, लार्वा मिलने पर 7,646 लोगों को नोटिस दिया गया है। यमुनानगर में डेंगू के 189 मामले हैं, चिकनगुनिया के 110 मामले हैं। बढ़ते मामलों को देखते हुए ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। यमुनानगर में अब जुर्माना होगा, अगर पानी इकट्ठा है आपके घर के आसपास तो उसे हटा लें। यमुनानगर प्रशासन ने बड़ा फैसला किया है, जिले में डेंगू की रोकथाम को लेकर सख्ती बढ़ती जाएगी, घरों में लार्वा मिलने पर एक्शन लेने की तैयारी है, ठहरे हुए पानी में लार्वा मिलने पर जुर्माना देना होगा, बिजली पानी बिल के साथ जुर्माना भरना होगा। लार्वा मिलने पर 7,646 लोगों को अब तक नोटिस दिया गया है प्रशासन की तरफ से। वो जैसे पिछली मीटिंग में भी हमने कहा था, चलान की अमाउंट जो हम नहीं रिकवर कर सकते लोगों से, तो वो बिजली के बिल में या पानी के बिल में एडजस्ट करके अब जो भी डिफॉल्टर्स होंगे, जिनके घरों में लार्वा मिलेगा बार बार जाने पे भी, उनके चलान इशू किए जाएंगे। कितना अमाउंट का पाएगा? अभी अमाउंट डिसाइड नहीं किया है, लेकिन अभी जल्द ही ADC सर से मिलकर उसकी फाइनल अमाउंट डिसाइड किया जाएगा। लोगों को जागरूक करने में आप भी बढ़ चढ़ के योगदान दें। बेसिकली कोई बहुत लंबी चौड़ी साइंटिफिक बातें इसमें नहीं है, बात केवल इतनी है कि आसपास साफ़ सफाई रखें, पानी इकट्ठा न होने दें, और चाहे वो पानी गंदा है चाहे वो साफ़ है। कुछ लोगों को ये भ्रांति रहती है कि साफ़ पानी है तो इसमें क्या होएगा। अब ये जो डेंगू टाइप का मच्छर है, क्या बोलते हैं ADCGPT, हाँ, तो वो मच्छर साफ़ पानी में ही पनपेगा, वो रोशनी में ही पनपेगा। लोग सोचते हैं कि वो अंधेरा होने के बाद ही मच्छर का हम उपचार कोई करेंगे। तो ये बेसिकली छोटी छोटी जागरूकता की बातें हैं जिसमें लोगों को बतलाना है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे, संवाददाता सुनील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है, अगर अब आपके घर के आसपास अगर पानी इकट्ठा है, वहां पर लार्वा पाए जाते हैं तो जुर्माना वसूला जाएगा, कितना असर इसका देखने को मिल रहा है, मामले क्या कुछ हैं डेंगू के और चिकनगुनिया के? बिल्कुल राजश्री, आपको बता दूं कि इन दिनों यमुनानगर जिला जो है डेंगू और चिकनगुनिया से ग्रस्त है। यहां पर रोजाना जो है नए मामले देखने को मिल रहे हैं। अभी तक के आंकड़ों की बात करें तो डेंगू के 190 और चिकनगुनिया के 110 मामले सामने आ चुके हैं। बात करें तो शहरी इलाकों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी लगातार डेंगू चिकनगुनिया का प्रकोप देखने को मिल रहा है, और वायरल बुखार भी लगातार जो है पनप रहा है। वहीं बात करें तो जिला प्रशासन लगातार स्वास्थ्य अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों के साथ बैठकें ले रहा है, और जिला उपायुक्त ने जो है पूरे जिले भर में जो है फॉगिंग के भी आदेश जारी किए हुए हैं। नगर निगम जो है लगातार फॉगिंग कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ से स्वास्थ्य अधिकारी भी लगातार बैठे कर जो है निर्णय ले रहे हैं, जिसमें जो है जिस तरह से लार्वा जो है घरों में जाकर चेक किया जा रहा है, करीब 7,500 लोगों के जो है घरों में लार्वा जैसे मिला है, उन लोगों को नोटिस भी दिए गए हैं। और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये भी फैसला लिया गया है, जहां बार बार चेकिंग होने के बावजूद भी लार्वा मिला है, ऐसे लोगों को जो है जुर्माना भी लगाया जाएगा। जो जुर्माना जो है बिजली बिलों या फिर पानी के बिलों के साथ जो है उनके घरों में पहुंचेगा। और इसके अलावा लगातार लोगों को अवेयरनेस के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हिदायतें जारी की गई हैं कि कहीं भी जो है गंदा या साफ पानी भी खड़ा ना होने दें, क्योंकि डेंगू का जो मच्छर है वो साफ पानी में पनपता है, और ये रात में ही नहीं दिन में भी जो है नुकसान कर सकता है। इसके चलते जो है लोगों को लगातार अवेयरनेस दी जा रही है। वहीं ज्यादातर लोगों की बात करें तो प्राइवेट अस्पतालों का रुख कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अभी भी सरकारी अस्पतालों पे लोग जो है विश्वास करते नजर नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य विभाग पैनी नजर बनाए हुए है। जी राजश्री, बिल्कुल। और अगर अस्पताल की व्यवस्था की बात करें, क्योंकि मरीजों की संख्या काफी ज्यादा है, तो क्या अस्पतालों में अलग से इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, अस्पतालों में अलग से डेंगू के लिए वार्ड बनाए गए हैं, और लोगों को नेट लगाकर जो है भर्ती किया जा रहा है अस्पतालों में। तो
स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पूरे इंतजाम किए गए हैं। हालांकि लोग भी अवेयर हो रहे हैं क्योंकि जिले भर में पूरे जो है हर घर में लगभग बुखार, जो वायरल बुखार चल रहा है वो पनप रहा है, जिससे लोग हर घर में लगा जो है ग्रसित हैं, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग भी लगातार नजर बनाए हुए है क्योंकि यमुनानगर जिला इन दिनों बहुत ज्यादा डेंगू और चिकनगुनिया की चपेट में है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे।